नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग बात करने वाले हिमालय की संरचना पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। किस पे बात करने वाले हैं, जो आज हम लोगों का टॉपिक है वह है हिमालय की संरचना। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इन सभी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोगों का कि हिमालय का निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हिमालय का निर्माण की बात करते हैं कि आखिर जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर यह समझ लीजिए कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले ये पॉइंट है, भारत का बंटवारा कर लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो भारत का बंटवारा यदि हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका भारत में, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले आपका हिमालय क्षेत्र आता है। तो हिमालय आ जाएगा आपका पहला पॉइंट। फिर इसके बाद देखिए, इसी आधार पर हम लोगों की क्लासेस भी चलने वाली हैं। तो पहले हम लोग हिमालय को समझेंगे, फिर दूसरे में उत्तर का मैदान, दूसरे में उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर का मैदान दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड स्टेज पे जब हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट की जब बात करेंगे तो थर्ड स्टेज में हम लोगों का किससे टूटा हुआ था, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठार की बात करेंगे। और जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो सागरीय तट की बात करेंगे, सागरीय तट एवं द्वीप की बात कर लेंगे, एवं द्वीप की बात करेंगे। तो हमारे पास चार आधार पर हम भारत का विभाजन यदि देखें तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का विभाजन यदि हम देखते हैं तो कितने आधार पर भारत का विभाजन चार भागों में किया गया है। भारत का विभाजन चार भाग में किया गया है। याद रख लीजिएगा कि चार भागों में, लेकिन एनसीईआरटी इसको छह भागों में करता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है भारत का विभाजन। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं हिमालय की, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हिमालय। अब हिमालय की बात की गई है तो हिमालय का निर्माण की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हिमालय के निर्माण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, निर्माण की। फिर उसके बाद उसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निर्माण देखते हैं, फिर इसके भाग को देखेंगे। तो निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं, किसके, हिमालय के निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमालय का निर्माण यदि हम लोग देखें तो ये किससे हुआ है, गोंडवाना से। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसी के आधार पर आपका हिमालय का निर्माण होता है। ठीक, अब हिमालय के बारे में जान ले, तो हिमालय जब बनने से पूर्व की स्थिति क्या थी आपका, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले पृथ्वी क्या थी, पैंजिया था और पैंथालासा था, पैंजिया और दूसरा पॉइंट क्या था, पैंथालासा, क्या था, पैंथालासा, दूसरा पॉइंट था पैंथालासा। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका सागर हुआ करता था, क्या था, ये सागर था और ये बेटा स्थलीय भूमि था, स्थल था। तो आप लोगों को पता है ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि ये पैंजिया था, फिर पैंथालासा था, फिर हमने आप लोगों को बताया था कि ये दो भागों में विभाजित हुआ था, अंगारा लैंड और दूसरा जो विभाजन हुआ था वो क्या हुआ था, गोंडवाना का विभाजन हुआ था। और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जो मध्य का भाग है यहां पर सागर की संरचना होती है, सागर की संरचना बनती है जिसे हम लोग कहते हैं तेथिस सागर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, तेथिस सागर कहते हैं। और इसके चारों ओर भी एक सागर की संरचना थी। ठीक है, इसके चारों ओर भी जल था, ये याद रख लीजिएगा, इसके चारों तरफ भी जलीय क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र
ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट है। जलीय क्षेत्र था, जब जलीय क्षेत्र था तो यहां से अब हम लोगों को बात करनी है भारत के बारे में। तो हमने बात कही कि गोंडवाना का विभाजन हुआ, किसका विभाजन होता है, गोंडवाना का विभाजन हुआ। ठीक है, अब इसके विभाजन की बात करते हैं, विभाजन। तो जब गोंडवाना का विभाजन होता है तो यहां पर आप लोग गोंडवाना, गोंडवाना का विभाजन, ठीक है बेटा, गोंडवाना का विभाजन जब होता है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब गोंडवाना का विभाजन हुआ तो इसी से क्या बना आपका, दक्षिणी अमेरिका बनता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका बना आपका, इसी से आपका अफ्रीका बनता है, अफ्रीका बनता है, इसी से आपका क्या बना, मेडागास्कर का निर्माण हुआ, मेडागास्कर का, गास्कर का निर्माण होता है, और इसी से आपके इंडिया का निर्माण होता है, इंडिया का, और यहीं से आपके ऑस्ट्रेलिया भी टूटकर अलग होता है। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो जब ये टूटता है, ये क्या होता है, ये दो भागों में टूटता है। सबसे पहले यदि स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेज की जब हम लोग बात करते हैं तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका टूटकर अलग होता है पहले स्टेज में। फिर सेकेंड स्टेज की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड स्टेज में यदि गोंडवाना का जब विभाजन होता है तो सेकेंड स्टेज में ये टूटकर अलग होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आप लोगों को क्लियर हो गया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका होता है, सेकेंड स्टेज में अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया को हम लोग भारत भी कह देते हैं, तो भारत भी जान लीजिए। तो भारत का जब विभाजन हुआ वो किसमें हुआ, वो अफ्रीका से विभाजन होता है। जो सेकेंड स्टेज का विभाजन है उसे लिख लीजिए, सेकेंड स्टेज का विभाजन है वो किससे होता है, विभाजन वो किससे होता है, अफ्रीका से होता है, अफ्रीका। ठीक है, किससे होता है, अफ्रीका से होता है। पहले क्या होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का विभाजन होता है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां से जब हम इंडिया की विभाजन की बात करते हैं, तो जब इंडिया, जब आपका भारत जो है वो टूट कर अलग होता है, तो यहां पर याद रखिएगा, जब भारत किससे टूटता है, भारत अफ्रीका से टूटकर अलग होता है, किससे, अफ्रीका से टूटकर अलग होता है, अलग होता है। ठीक है, जब ये टूटकर अलग हुआ इस कंडीशन में, तो इसका आप लोग देख रहे होंगे कि केवल और केवल इतना ही हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या करता है, ये जब ये वाला पार्ट टूटता है तो ये इसकी गति किधर हो जाती है, आपकी एशिया की तरफ गति हो जाती है। किधर, इसकी गति जो होती है, तो यदि हम देखेंगे तो इसकी गति कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी, स्टेप बाय स्टेप उत्तर की तरफ इसकी गति। सबसे पहले जब ये टूट कर अलग होता है तो इसकी गति किधर होती है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब जब ये नॉर्थ की तरफ टूटा है तो इसके पास तो कुछ है नहीं, ये एकदम कंगाल और एकदम टूटा फूटा आदमी है, जो टूट कर पानी में क्या होता है, तैरना शुरू कर देता है, पानी में तैरना शुरू करता है। अब ये पानी में तैर तो रहा है, लेकिन इसी के साथ इसका भाई भी तैर रहा है। कौन सा, इसका दूसरा भाई कौन था, वो भी याद रख लीजिएगा, कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है वो किसी, किस प्लेट से जुड़ा हुआ, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है एक। ठीक, कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इसी के साथ तैरता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक, अब ये दोनों एक साथ निकल रहे हैं, इनके बीच में जो गैप है वो गैप बना हुआ है। इसकी गति किधर है, इसकी गति उत्तर की तरफ है, और इसकी गति किधर है, इसकी गति पूर्व की तरफ है। किधर है, इसकी गति पूर्व की तरफ है। ये याद रखना है कि उत्तर की तरफ इसकी गति थी, पूर्व की तरफ गति इसकी थी। तो हमें याद केवल करना है भारत की, तो भारत हम लोग समझ लें, तो भारत जब यहां से चलना प्रारंभ करता है तो ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा होता है। किधर, उत्तर की तरफ बढ़ता है। लेकिन कुछ समय बाद इस भारत में इसकी गति किधर होती है, ये लिखते रहिए, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ।
ठीक, लेकिन इसमें कुछ बीच में जब यहां तक ये पहुंचता है तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ हलचल उत्पन्न होती है, तब इसकी गति क्या हो जाती है। पहले ये किधर निकल रहा है, फर्स्ट स्टेज पे यदि हम बात करते हैं तो भारत निकलता है आपका उत्तर की तरफ, लेकिन सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें कुछ आंतरिक हलचल, आंतरिक आंतरिक हलचल हलचल और समुद्रीय हलचल के कारण, और समुद्रीय हलचल के कारण, हलचल के कारण कारण इसकी गति किधर हो जाती है बेटा, इसकी गति जो होती है वो हो जाती है उत्तर पूर्व की तरफ, किधर हो जाती है उत्तर पूर्व की तरफ। अब यहां पर उत्तर पूर्व की तरफ तो ये बढ़ गया, लेकिन इसका इंतजार कोई और भी कर रहा था, इसका इंतजार एक मलबा कर रहा था जहां से ये टकराने वाला था, क्योंकि इसकी गति जब उत्तर पूर्व की तरफ हुई तो क्या हुआ। अब देखिए यहां पर आपका क्या था, तेथिस सागर बैठा हुआ है, जो आपका ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये तिब्बतीय क्षेत्र है, इसे मानिए ये तिब्बतीय क्षेत्र है। ठीक, अब ये तिब्बतीय क्षेत्र है बेटा, लेकिन ये बीच वाला जो एरिया ये वाला है, तो यहां पर क्या है, यहां पर तेथिस सागर का, यदि इस एरिया की हम लोग बात करते हैं, इस एरिया की, ठीक, तो यहां पर तेथिस सागर का मलबा भी इसका इंतजार कर रहा था, किसका, तेथिस तेथिस सागर का, सागर का मलबा, मलवा, क्यों, क्योंकि यहां से जो नदियां आ रही थी, इस एरिया से जो तिब्बत से नदियां आ रही थी, वो सारा अवसाद इस तेथिस सागर के इस किनारे पर छोड़ती थी, नदियां नदियां अपना सारा का सारा, सारा का सारा अवसाद, अवसाद इस रीजन में, जो तेथिस सागर का डेल्टाई क्षेत्र था जहां पर ये मलबा इकट्ठा हो रहा था नदियों का, वो इस क्षेत्र पे अवसाद छोड़ती थी अपना थी। और इसके आगे यदि हम बात करें, इस क्षेत्र के आगे की यदि हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे क्या था, तो इसके आगे कैसा एरिया था, ये समुद्रीय क्षेत्र था, क्या था, समुद्रीय क्षेत्र था। अब स्टेप में समझते रहिए, ये समुद्रीय क्षेत्र था और भारत इस तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे, कि भारत की गति जो थी वो किधर आ रही थी, भारत की गति इसी तरफ धगधगाते हुए भारत आ रहा था, ठीक, इंतजार कर रहा था ये, तो ये समुद्रीय क्षेत्र को पार करके जब इस पे टक्कर होने वाली है इसकी अब, ठीक, तो ये निरंतर आगे की तरफ गति कर रहा था, किधर, इसकी गति जो चल रही थी उत्तर पूर्व की तरफ चल रही थी अब, ठीक, अब उत्तर पूर्व की तरफ ये जा रहा है। अब ये क्या है, ये पूरा रीजन आपका मलवा है, क्या है, मलवा है। तो निश्चित रूप से जब भारत अब इससे टकराएगा, जब भारत इससे टकराएगा इस एरिया से, मलवे से, मलवा, ठीक, इससे क्या हुआ, अब भारत यहां पर पहुंच चुका आपका, अब भारत पहुंचने के बाद इसको टक्कर दिया, जब टक्कर देता है तब आपके प्रथम श्रृंखला का निर्माण होता है, प्रथम श्रृंखला का। और याद रख लीजिए कि जब दो पावरफुल आदमी, ठीक, ये क्या है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, अभी परेशान मत होइएगा, महाद्वीपीय प्लेट है, क्योंकि ये कौन सा है, तिब्बत की प्लेट है ना बेटा, नाम क्या है, तिब्बत की, तिब्बत, तो इंडो तिब्बत प्लेट है ये, क्या है आपकी, तिब्बत की प्लेट आ गई ये, और ये कौन सी है, ये भारतीय प्लेट है, कौन सी है, भारतीय प्लेट हम लोग नाम रख लेते हैं, ठीक है, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, हम लोग भारतीय प्लेट के नाम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जब दोनों क्या है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं। अब इसमें गेम क्या होने वाला है, अब पूरी कहानी जो होगी यहां से पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाली है, बदलने वाली है, पूरा का पूरा कहानी स्टोरी बदल। अभी ये नंगा पुंगा आदमी, इसके पास कुछ नहीं था,
ये बस एकदम पानी में तैरता हुआ पहुंच रहा था। इसके पास ना कोई पर्वत श्रृंखला थी, जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला थी वो अरावली थी इसके पास। कौन सी थी? अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं थी। और जो इस एरिया में है दक्षिण भारत में, वो इसकी गोंडवाना, और यदि हम कुडप्पा गोंडवाना ये सब जो दक्षिण भारत था वहां पर प्राचीन दक्षिण भारत में, भारत में कौन सी थी? प्राचीन काल की क्या थी आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएं थी? वो प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं थी, नवीन पर्वत श्रृंखला नहीं थी भारत के पास। अब जब ये टकराएगा मलबे से, अब जब मलबे से टकराएगा तो यहां पर क्या होगा कि निश्चित रूप से ये इसको दबाने का प्रयास करेगा, ये इसको दबाने का प्रयास करेगा। दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, एक फोल्ड, एक दोनों अपनी ताकत लगाएंगे। जहां तक ये गीला मलबा है ठीक, वहां तक तो ताकत कौन लगा ले जाएगा? भारत लगा ले जाएगा। लेकिन जैसे ही स्थल की बात आएगी, इस स्थलीय क्षेत्र से भारत की टक्कर होगी तो क्या हो जाएगा? जब इस स्थलीय क्षेत्र से टक्कर होगी तो ये स्थलीय जो क्षेत्र है ये भी अपनी ताकत इधर लगाएगा और ये भी इधर अपनी ताकत लगाएगा। तो अब ताकत लगाने का समय आ चुका है। चलिए, अब ताकत लगाने का समय आ गया है भारत का। तो भारत जैसे ही इससे टकराता है तो प्रथम स्थलाकृति जो बनती है टकराते ही तिब्बत से, यहां पर पॉइंट लिखिए, तिब्बत या 33 के मलबे से जब भारत टकराता है, भारत टकराता है, अब भारत की टक्कर हुई तो निश्चित रूप से ये क्या था? ये गीला मलबा था। याद रख लीजिएगा कि ये जो मलबा भरा हुआ है ये कैसा था? गीला मलबा था, ठीक है। तो ये गीला, मान लो कीचड़ मान लीजिए आप, ये क्या था? गीला, गीला मलबा था, मलबा। जब इसकी टक्कर हुई भारत से ठीक, तो इसने क्या किया? उस मलबे को ऊपर धकेल दिया। क्या किया? मलबे को ऊपर धक्का दिया, ठीक। अब धक्का देगा तो दिया, याद रख लीजिएगा, जब ये ऊपर धक्का दिया तो निश्चित रूप से आकृति, अभी हम लोग बैकग्राउंड चल रहे हैं, अभी रियल स्टेज पे नहीं आए हैं इंडिया के, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? धक्का देगा, और जब धक्का देगा तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो मलबा होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। कैसा हो जाएगा? जब इसने धक्का देना है इसे तो मलबा निश्चित रूप से ऊपर उठ जाएगा, और ये मलबा ऐसे आपको दिखाई देगा कि भारत के ऊपर कोई स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। किसका? भारत के ऊपर कुछ ऐसी आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दबाव कहां से है? ये आपकी तिब्बत की प्लेट है, तिब्बत की प्लेट, और ये टक्कर किससे हो रही है? ये भारत की प्लेट से टक्कर हो रही है, भारत की प्लेट से। तो जो जितनी बड़ी प्लेट होगी वो उस पे ज्यादा दबाव डालेगी निश्चित रूप से। तो इधर से प्रेशर कौन कर रहा था? तिब्बत की प्लेट कर रही थी मलबे पे, और इधर से दबाव कौन डाल रहा था? भारतीय प्लेट दबाव डाल रही थी। तो ये जो फोल्ड हुआ, ये वाला जो फोल्ड एरिया हुआ इसका, तो ये क्या हुआ? कुछ ऐसी आपको आकृति हमेशा दिखाई देती है। हम लोग ये कहते हैं ना, नवीन फोल्डेड माउंटेन है ये। तो ये आकृति क्यों हुआ? कि दोनों तरफ से दबाव होने के कारण ये जो मलबा था ये फोल्ड होना शुरू हो गया। तो जहां स्पेस मिलेगा मलबा तो वहीं जाएगा ना, तो दबाव जब अधिक हुआ तो मलबा क्या हो गया? फोल्ड होना शुरू हो गया। अब जब फोल्ड हुआ तो यही आपका आगे चलकर, यही पहला मलबा जब पहली बार फोल्ड हुआ, क्योंकि ताकत सबसे पहले आपको, अगर हम दिखाते हैं कहीं पर गीला उला है या कमजोर है, तो जब आप गाड़ी मारेंगे उस कीचड़ पे तो सबसे ज्यादा पावर किसकी? गाड़ी से धक्का लगा वो मलबा क्या है? हल्का गीला है, थोड़ा सा गाढ़े रूप में है, तो ज्यादा प्रेशर मारेंगे आप तो झड़ाक से सबसे पहले वो उछलता है। फिर उसके बाद जब वो एकदम चिपक जाएगी आपकी गाड़ी तो धक्का मारेंगे तो उससे छोटे छोटे पार्ट में वो टूट शुरू हो जाता है। तो यही हुआ यहां पर। तो सबसे पहले जब धक्का लगा तो आपका बनता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक। अब जब दूसरी बार इसमें पुश करना शुरू किया तो अब क्या हुआ, ये बीच बीच में टूटना शुरू हो गई। क्यों? जहां जहां स्पेस बचा हुआ था वहां वहां तो ये मलबा
फिर से स्थलाकृतियों का निर्माण कर रहा था। क्या कर रहा था? बीच बीच में वो स्थलाकृतियों का निर्माण कर दे रहा था। तो जो लघु हिमालय है वो आपको टूटा हुआ दिखाई देता है। क्यों टूटा हुआ दिखाई देता है? ऐसे ऐसे आपको गारो, खासी, जयंतियां, मिरी, नागा ऐसी आकृतियां आपको दिखाई देती है बीच में। ठीक, इसका रीजन क्या है कि पहली बार की जो आकृति बनी वो एक स्मूथली फटफट फटफट बनती चली गई। जितनी दूर तक था मलबा फैलता हुआ चला गया, तो वो ऊंचाई तक फैला, जितनी ऊंचाई तक फैला वहां तक वो फैल गया। तो जो आपका ये वाला है कि आपकी सबसे ऊंची ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी वो ग्रेटर हिमालय में बन गई, ज्यादा एरिया में। ठीक, उसके बाद जब लघु हिमालय की बात आई तो लघु हिमालय में दबाव दूसरी बार, जब भारत का दबाव निरंतर पड़ रहा था तो भारत ने पुनः अपना प्रेशर दिया, तो दूसरी बार जो आकृति बनी वो किसकी बनती है? लघु हिमालय की बनती है, लघु हिमालय की। और जब ये प्रेशर निरंतर बनता रहा तो तीसरा पार्ट जो बनता है वो बनता है आपका शिवालिक, शिवालिक हिमालय का बनता है। अब ये आप लोगों को मोटा मोटा आप लोगों के मेरे हिसाब से इतना तो दिमाग में स्थिर भाव से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं वेट करता हूं आप लोगों का। यहां तक यदि किसी को कंफ्यूजन हो वो बताए, फटाफट बताइए। यहां तक कंफ्यूजन है किसी को? ठीक, अब यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से। मुझे यह लगता है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से आपको क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, जब ये चीजें आपको क्लियर हो गई, अब यहां से शुरू होता है हिमालय की फाउंडेशन की बात हम लोग करते हैं। फिर हिमालय में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनी, कौन कौन सी पर्वत पहाड़ी चोटी ये सब बनी, इन पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आपने अभी तक समझा है इसको एग्जैक्टली आपके दिमाग में उतारने के लिए एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि भारत यहां पर अभी तक जुड़ा हुआ था, अब ये अलग हो रहा है भारत। ठीक, अब जब ये यहां पर अलग हो रहा है तो आपको ये आकृति दिख रही होगी यहां पर कि ये समुद्र है और ये मलबे वाली जो आकृति यहां पर बनी हुई थी वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई इसमें डाउट आ रहा हो तो वो मुझे बताए। ठीक, क्लियर आ रहा है सभी लोगों को? अब ये कितने कितने वर्षों की कहानी है तो ये आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि ये यहां पर था और पुनः भारत जब यहां पर पहुंचेगा तो आपको ये पूरा एरिया क्या है, समुद्री एरिया के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ये जब आगे बढ़ता है तो पुनः यहीं पर पहुंचेगा जब टक्कर देगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? तो ये देखिए, ये सारी प्लेटें आपस में सबमिट हो रही हैं। फिर से ये टक्कर जब देता है तो ऐसे ही आपकी टकराया है और टकराने के बाद ये जिस स्थिति में आज अभी आपको दिखाई दे रहा है उसी सेम सिचुएशन से ही भारत आगे बढ़ा था। ठीक है, जब ये बढ़ता है तो निश्चित रूप से इससे टकराएगा। जैसे ये बढ़ रहा है आपका, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ये इस आपकी तिब्बती प्लेट से जाके टकराने वाला है और तिब्बती प्लेट से टकराएगा तब आपके ही ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और आपके शिवालिक हिमालय का। देखिए गति कितनी अच्छी है हमारे भारत की, पहले से भारतीय लोग होशियार थे, मार बूस्टर उस्टर लगा के चलते थे। समझ में आया आप लोगों को? तो मेरे हिसाब से एनिमेशन आपके काम भर का काम करके बता दे रहा है चीजें जो आप लोगों को अभी डाउट भी रही होंगी, तो वो भी ये स्थिति क्लियर कर देता है। देखिए ये जा रहा है और ये प्लेट से टकरा गया। अब ये टकराएगा तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे पे प्रेशर डालना शुरू कर देंगी। अब ये प्रेशर डालना शुरू कर रही हैं। ठीक, अब जब ये प्रेशर डालेंगी तो निश्चित रूप से क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका ये वाला क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
ये देखिए, अब यहां पर ये टक्कर होने के बाद जो स्थलाकृतियां हैं, जो ये प्रथम स्थलाकृति बनी उसके बाद ये पुनः टक्कर हो रही है ये तीसरे राउंड पे, दूसरे राउंड में, तो ये टूट रही है। अब टूटने का रीजन यही है कि जब ये टूटेंगी तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना है। तो जब ये टूटती हैं तो ऐसे टूट रही हैं, दूसरे पॉइंट भी क्या हो रहा है, ये टूटी फिर ये टूटी, क्योंकि अब दबाव कहाँ से, अभी तक केवल और केवल आपको तिब्बत की प्लेट का दबाव झेलना था। किसका दबाव झेलना था, तिब्बत की प्लेट का, यहां से तिब्बत प्रेशर कर रहा था। अब क्या है, ये आपका ग्रेटर हिमालय का एरिया भी बन गया है। क्या हो गया है, ग्रेटर ग्रेटर हिमालय का, हिमालय का निर्माण हो चुका है। तो अब ग्रेटर हिमालय का भी प्रेशर इस पे रहेगा और भारत का प्रेशर भी यहां पर होगा। तो जो लघु हिमालय की स्थलाकृतियां टूटी उसका कारण मुख्य दबाव है। क्या है, दबाव, कारण, दबाव के कारण। इतनी चीजें आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हिमालय क्षेत्र का विस्तार आखिर कहां कहां पर है, कहां कहां पर हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। यदि हम इसको अब देखें तो हिमालय क्षेत्र के विस्तार की बात कर लें तो ये आपका हिमालय आ गया, ठीक है। हिमालय जो ये ऊपर उठा, ये हिमालय क्षेत्र है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये क्या है, ये वाला, ये देखें तो ये भारत क्या है, यहां से भारत के पश्चिम में और पाकिस्तान के ये पूरब में स्थित है। तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कंगाल आदमी भी हमारे बगल में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किधर है, पूर्वी पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट याद कर रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोगों की स्थलाकृति कहां पर है, ये आपकी स्थलाकृति तिब्बती क्षेत्र से होते हुए, यदि तिब्बत की बात करें तो तिब्बत को भी हम लोग टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो पूर्वी छोर से होते हुए ये कहां तक पहुंच रहे हैं, आपकी तिब्बत का क्षेत्र, और तिब्बत कहां पर है, चाइना में है। इधर की बात यदि हम लोग करते हैं इस क्षेत्र के किनारे की, तो आपको पता है यहां पर कौन सा राष्ट्र है, म्यांमार, म्यांमार तक यह स्थलाकृतियां फैली हुई हैं। कहां तक है, भारत के म्यांमार तक यह स्थलाकृतियां फैली हुई हैं। और यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है आपका। अब अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट यदि हम बात करें तो लास्ट में यदि अरुणाचल प्रदेश की स्थलाकृति की बात करते हैं तो यहां पर नामचा बर्मा, नामचा बर्मा, बर्मा स्थलाकृति का निर्माण है, जो क्या है, पर्वत, पर्वत है, कौन सा है, भारत में नामचा बर्मा नाम का पर्वत है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अर्थात जो ग्रेटर हिमालय की, हिमालय की बात करेंगे तो उसका प्रथम विस्तार कहां तक है, नामचा बर्मा तक है। अब यदि हम इसकी बात ये करें कि भैया नामचा बर्मा तक तो पहुंच गए, स्थल भारत का जो विस्तार है हिमालय, ये कौन सा है, ग्रेटर हिमालय चल रहा है ना आपका, ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर हिमालय याद रखिएगा, आप मिडिल हिमालय मत पहुंच जाइएगा। ग्रेटर हिमालय का विस्तार यदि देखें, यहां से बहुत ज्यादा टूट फूट नहीं है, यहां से बहुत ज्यादा हिमालय टूटा फूटा नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि इसका भारतीय हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आने वाले हैं, तो यहां पर पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय हिमालय, भारतीय हिमालय के अंतर्गत, हिमालय, हिमालय के अंतर्गत की बात करें, अंतर्गत, तो अंतर्गत आप लोगों को यह देखना है कि भारतीय हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से देश और आपके राज्य आने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो जे एंड के आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप ये भी जान लीजिए कि वर्तमान में क्या हो गया है, लद्दाख रीजन आ गया है, तो लद्दाख भी आपका जुड़ जाएगा। तीसरे नंबर पे आप यदि देखें तो लद्दाख, जे एंड के, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल चल प्रदेश, आपका उत्तराखंड आ जाएगा। चौथे में क्या आ जा रहा है, उत्तरा,
उत्तराखंड आ जा रहा है। उत्तराखंड के बाद यदि हम यहां से उत्तराखंड से निकले तो बगल में क्या है आपका, नेपाल है। क्या है, नेपाल है। और नेपाल के बाद यदि हम देखें तो यहां पर आपका सिक्किम आ जाता है। कौन आ जा रहा है, सिक्किम। और सिक्किम के बगल में ही आपका भूटान आता है, भूटान आ जाता है। और भूटान के बाद यदि हम लोग देखते हैं तो सिक्किम हो गया, भूटान आ गया। और भूटान के बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो आठवें नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, सीधा फिर इसके बाद आपको असम टच करता है, असम आ जाएगा। और फिर नवा आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां तक यदि देखें तो हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। क्या है आदि, अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो और आगे चल लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बाद उसी के बगल में नागालैंड है, नागा नागालैंड है, तो नागालैंड आ जाएगा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो मणिपुर आ जाएगा आपका, मणिपुर, मणिपुर आ जाएगा। और इस तरह से यदि हम इसकी बात करें तो ये नीचे तक चला जाता है, अंडमान निकोबार तक जाता है। अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ये किसका पार्ट है, ये सभी हिमालय रीजन का ही पार्ट है। क्या है, ये हिमालय रीजन का ही पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा जो रीजन निर्मित हुआ, ये निर्मित रीजन जो है ये कहां से, आपके हिमालय रीजन का ही पार्ट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोगों को। तो यहां पर कई बार प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर फोल्ड क्यों हुआ। तो अब आपको पता चल गया हो कि जब दो प्लेटें, मान लीजिए कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो जब दोनों प्लेट आपस में इस क्षेत्र में दबाव डालेंगी, दबाव, दबाव डालेंगी, अब दबाव कैसे डालेंगी, तो निश्चित रूप से ये आप हैं, ये मैं हूं, अब बीच में कोई कमजोर आदमी पड़े चीचे कर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये किताब अगर हम ले, इस कॉपी को यदि कोई किताब ले लेते हैं, कोई किताब, कोई किताब मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो ये पेपर है आपका, ये पेपर है, इसको यदि हम दोनों तरफ से दबाव डालेंगे तो ये क्या हो रहा है, बीच में फोल्ड हो जा रहा है। तो इसका फोल्ड होने का मतलब है कि दोनों तरफ से जब दबाव होगा तो ये निश्चित रूप से फोल्ड हो जाएगा। इसीलिए भारत का यदि हम हिमालय को कहते हैं तो नवीन फोल्डेड माउंटेन या फिर नवीन मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय को याद रख लीजिएगा कि हिमालय को, हिमालय, हिमालय को नवीन, नवीन मोड़दार पर्वत, पर्वत कहते हैं। याद रख लीजिएगा कि नवीन मोड़दार पर्वत इसे कहते हैं। तो इसमें इतना क्लियर है कि यहां पर क्या हुआ, गाज का निर्माण हुआ, चोटी का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसका निर्माण होता है। अब यहां पर बात आती है कि जो नदियां पहले बह रही थी, तो अब नदियां क्या करेंगी भैया, अवरोधक उत्पन्न हो चुका है, ग्रेटर हिमालय का निर्माण हो गया तो अवरोधक उत्पन्न हो गया। तो जो पहले नदियां बहती थी, पहले जो नदियां बहती थी, नदियों ने क्या किया, नदियां पहले जो नदियां बहती थी तो उन नदियों ने क्या कर दिया कि अब धीरे धीरे ग्रेटर हिमालय को काट कर धीरे से, जैसे यहां पर नदी पहले से बह रही थी तो यहां पर नदी धीरे 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 जब इसका निर्माण हो रहा था तो धीरे धीरे निर्माण हुआ होगा, एक बैक मारा भाग के देखो नहीं हो गया, तो यहां से धीरे धीरे इसका निर्माण हो रहा था। तो ये नदियां भी इस जल को धीरे धीरे काट कर, इस पर्वतीय क्षेत्र को काट कर अपने मार्ग को पुनः प्राप्त कर ली। तो इन नदियों को कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। जो नदी पहले बह रही थी वो नदी ने पुनः ग्रेटर हिमालय को काट कर, मिडिल हिमालय को काट कर अपना मार्ग बना लिया। तो ये नदियां पहले से बह रही थी जिनका मलबा उस 33 सागर में इकट्ठा हुआ था। तो ये क्या है, ये पहले से बह रही थी इसलिए पूर्ववर्ती नदियां हैं। और ये नदियां आगे धीरे धीरे करके अपने मार्ग का निर्माण करती रही आगे चलकर। ठीक है, तो ये याद रखना। इनमें से यदि हम बात करें तो आप लोगों को सिंध नदी पता है, सिंध, सिंध आपकी गंगा नदी को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी, क्योंकि गंगा में अलकनंदा भी जुड़ती है। ठीक, गंगा ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है देवप्रयाग में तब वहां से वो गंगा बन जाती है। गंगा हो गई, सिंध हो गई, आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, ब्रह्म
पुत्र नदी हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्री नदी, इस तरह से बहुत ढेर सारी नदियां थी जो पूर्ववर्ती नदी घाटी हैं। क्या है जो पूर्ववर्ती, इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी घाटी, इनका निर्माण जिस घाटी का किया इन्होंने, ये उसे हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। और हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को हिमालय की सर्वोच्च चोटी की यदि बात करते हैं, हिमालय, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आप लोगों को पता है सर्वोच्च चोटी, अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट, ठीक है, ये कौन सी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत में हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो केटू गार्डवियन ऑस्ट्रियन है, केटू गार्डवियन, गार्डवियन ऑस्ट्रियन है, ये याद रख लीजिएगा कि केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, भारत में ही यदि यहाँ की बात करें तो यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर, केटू की बात कर लेते हैं तो केटू बेटा कहाँ पर स्थित है, ये काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको मुझे ये क्लियर करना था आप लोगों को, मेन यहाँ पर कहानी जो होती है वो फाउंडेशन की होती है कि हिमालय का फाउंडेशन कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि निर्माण आखिर कैसे हो गया। तो निर्माण मेरे हिसाब से आज आप लोगों का कन्फ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। अगर हम हिमालय की, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, भारत में स्थित, भारत में स्थित, स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, अगर हिमालय की बात कर रहे हैं तो आपको एवरेस्ट मिल रही है, यदि यहां पर सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, वो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि कहां पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, सिक्किम और नेपाल, जो कि स्थिति कहां पर है, इसकी स्थिति की बात करें, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, और नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब लघु हिमालय की बात करते हैं, लघु हिमालय की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा लीजिएगा लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में आप लोगों को देखना है कि लघु हिमालय में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, यहाँ के अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियां हैं। यदि लघु हिमालय की बात कहें, क्योंकि मैंने बताया था जब दोबारा धक्का लगा तो टूट गई, तो यहाँ पर छोटी छोटी श्रेणियां हैं, यहाँ पर कौन सी छोटी छोटी श्रेणियां स्थित हैं, श्रेणियां स्थित हैं, याद रखिएगा इसकी छोटी छोटी श्रेणियां स्थित हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं, तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर स्थित है, ये भी याद रख लीजिए। तो झेलम और ब्यास नदी के बीच कश्मीर में क्या है आपका, इसका विस्तार, यदि हम पीर पंजाल की बात करते हैं तो इसका विस्तार झेलम, झेलम और ब्यास के मध्य है, और ब्यास, ब्यास के मध्य कश्मीर में है, मध्य कश्मीर में, कश्मीर में है, क्लियर है। इसका पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो कहां पर है, मध्य कश्मीर में है, यहां पर याद रखिएगा। अब पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल और पीर पंजाल दो दर्रे हैं, पीर पंजाल श्रेणी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि बनिहाल, बनिहाल और पीर पंजाल, पीर पंजाल दो दर्रे हैं, क्या है, पीर पंजाल
दर्रे स्थित हैं, दर्रे स्थित हैं इसी पे, इसी श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं धौलाधर श्रेणी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं धौला धौलाधर, धौलाधर श्रेणी की बात करते हैं, तो यहां पर याद कर लीजिए कि धौलाधर श्रेणी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर यह जो धौलाधर श्रेणी है यह अलकनंदा बद्रीनाथ के पास बृहद हिमालय को पार करती है। क्या करती है? अलकनंदा अलकनंदा, अरे यार, अलकनंदा बद्रीनाथ, अलकनंदा बद्रीनाथ को क्या कर रही है? अलकनंदा बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ के पास बृहद हिमालय को पार करती है। याद रख लीजिएगा, बद्रीनाथ के पास बृहद हिमालय को, के पास से बृहद हिमालय को पार करती है, बृहद हिमालय को, हिमालय को क्या करती है? पार करती है। याद रखिएगा, ये बृहद हिमालय को पार करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मूल श्रेणियों के दक्षिण में धौलाधर श्रेणी पश्चिम की ओर फट जाती है, क्या होता है? दक्षिण में धौलाधर नामक नामक श्रेणी पश्चिम की ओर कट जाती है। इसका मुख्य विस्तार हिमाचल प्रदेश में तथा आंशिक रूप से धौलाधर श्रेणी का विकास यदि बात करें हम लोग तो ये सबसे पहले दो ही जगह पे इसका विस्तार है, एक हिमाचल प्रदेश में, मुख्य विस्तार ही इसका हिमाचल हिमाचल प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा, मुख्य विस्तार इसका हिमाचल प्रदेश में। और यदि हम बात करते हैं इसका और मुख्य विस्तार, यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा कि मुख्य विस्तार की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं ये, याद रख लीजिएगा, फटाफट रिवीजन क्लास के रूप में आप इसे लेते हुए चलिए। विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, मुख्य विस्तार इसका हिमाचल प्रदेश में, और शेष बचा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में खंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, शेष भाग उत्तराखंड में है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये आप लोग यहां तक देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा वह है नाग टिब्बा श्रेणी, कौन सी? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी, क्लियर है? इसके इसको हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। नाग टिब्बा श्रेणी जो है यहाँ से हम लोग कल से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे।